चपाती से बी बिस्तर का काले ना क्या भी मैं खुला दिलाए बड़ा सारे बंदे दिल तारनी एक वाली ते कम कर दिया यार नी थंबड़ा ले हूँ मैं बता तेरे माँ बापू ने टोक्यो को नाके। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग हरियाणा रोडवेज के ड्राइवरों को पायलट मानते हैं, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की बसें सबसे सुरक्षित और सबसे तेज पाई जाती हैं। और अगर आप भी फतेहाबाद या सिरसा से जयपुर के लिए हरियाणा रोडवेज की बस में सफ़र करना चाहते हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि हरियाणा रोडवेज की सीधी बस सर्विस उपलब्ध है। फतेहाबाद से चलकर हिसार, राजगढ़, सीकर, रिंगस के रास्ते जयपुर को जाने के लिए हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद बस स्टैंड से सुबह 7:45 पर हरियाणा रोडवेज की बस सेवा उपलब्ध है। इसके बाद हिसार से जयपुर के लिए हरियाणा रोडवेज की इस बस का समय है हिसार बस स्टैंड से सुबह 9:00 और झुंझुनू से जयपुर के लिए हरियाणा रोडवेज की इस बस का समय है झुंझुनू से दोपहर को 1:00। वहीं अगर वापसी की बात की जाए तो वापसी में जयपुर से हरियाणा रोडवेज की इस बस का समय है सुबह 6:20 पर और सीकर से वापसी में हरियाणा रोडवेज की इस बस का समय है सुबह 8:50 पर। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि सिरसा से भी जयपुर के लिए हरियाणा रोडवेज की सीधी बस सर्विस उपलब्ध है। सिरसा हिसार जयपुर, सिरसा से चलकर फतेहाबाद, राजगढ़, झुंझुनू, सीकर, रिंगस के रास्ते जयपुर को जाने के लिए हरियाणा रोडवेज सिरसा बस स्टैंड से हरियाणा रोडवेज की इस बस का समय है सिरसा बस स्टैंड से दोपहर को 12:00 और फतेहाबाद से जयपुर के लिए हरियाणा रोडवेज की इस बस का समय है फतेहाबाद से दोपहर को 12:55 पर। हिसार बस स्टैंड से जयपुर के लिए हरियाणा रोडवेज की इस बस का समय है दोपहर को 2:05 पर। वहीं अगर वापसी की बात की जाए तो वापसी में जयपुर से हरियाणा रोडवेज की इस बस का समय है सुबह 8:45 पर। सीकर से वापसी में इस बस का समय है सुबह 11:00 और झुंझुनू से वापसी में हरियाणा रोडवेज की इस बस का समय है झुंझुनू से दोपहर को 12:30। अगर समय चेंज हो जाता है तो हम उसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होंगे। कृपया करके बस स्टैंड पर 10 मिनट पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करें। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप हरियाणा रोडवेज की इस बस में सफ़र करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, सफ़र का आनंद उठा सकते हैं। टाइमिंग मैंने आपको इस बस की बता दी है। इस बस में सफ़र करने से आपका टाइम बचेगा, आपका किराया बचेगा। तो अगर आप रेवाड़ी से मुरादाबाद जा रहे हैं तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका किराया भी बचेगा और सेम डे आप जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। अगर आपने अब तक हरियाणा रोडवेज की बस में सफ़र किया है तो बिल्कुल आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने अब तक नहीं किया है तो आप ज़रूर करें, और जब भी आप करें उसका भी एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। इसके साथ ही सवारियों से अपील है बस के अंदर गंदगी ना फैलाएं, और जो भी बचे हुए छिलके हैं जो भी है आप पॉलीथीन या फिर बैग में डाल सकें ताकि बस के अंदर गंदगी ना फैले। एक और बात, हरियाणा रोडवेज की बसें आजकल ट्रेंडिंग में हैं, पूरे इंडिया में हरियाणा रोडवेज की बसें आज ट्रेंडिंग में हैं, लोग हरियाणा रोडवेज की बसों को पसंद कर रहे हैं, और इसीलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि बसों की संख्या को बढ़ाया जाए और जितनी भी डिपो में कमी है उसकी कमी को पूरा किया जाए ताकि लोगों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हरियाणा रोडवेज में एसी बसों की बहुत ज़्यादा कमी है, एसी बसों को भी लाया जाए। इसके साथ ही बहुत सारी सवारियाँ हैं जो सिर्फ एसी बस में जाना पसंद करती हैं, अगर सवारियों को एसी बस नहीं मिलती तो दूसरी बसों का चुनाव करती हैं। इसीलिए अब लोग हरियाणा रोडवेज के प्रति जागरूक हो रहे हैं वीडियो के जरिए, पोस्ट के जरिए। तो सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द हरियाणा रोडवेज में बसों की कमी को पूरा किया जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। करूं बंदे खील खील अल्लाह थारे रक्त सील ते।